इसका जैसा आर्च है मुझे लगता है 80% ऑफ पावर लिफ्टर जो इंडिया में कम्पीट करते हैं उनका नहीं। अब तो 200 के जी फील भी नहीं होता, मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले 200 मतलब बहुत बड़ा नंबर था मेरे लिए, जनरली मेरे लिए, जबकि मैं उस समय 74 में कम्पीट कर भी करता था और अभी मैं 66 में कम्पीट कर रहा हूँ। गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं सुबह संडे को ट्रेनिंग करने वाला हूँ, आज का टॉप सेट है बेंच का 137.5 kg। सो लेट्स गो, बॉडी फिजिक आप देख सकते हो बिकॉज अभी कंपटीशन नज़दीक आ रहा है, सो बॉडी वेट थोड़ा मैं डिफिशिट में हूँ और क्लीन ईटिंग 3-4 हफ्ते से हो रहा है, सो ये बॉडी फिजिक है अभी। और अभी मेरे बेंच के पार्टनर से भी आपको मिलाऊंगा। तो थर्सडे को मैंने SBD का सेशन किया था, तो उसका मैं आप डेडलिफ्ट का वीडियो दिखा देता हूँ एंड 225 kg है डेडलिफ्ट, सो वो दोनों देख लो, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। That you're my obsession, you're pulsing through me. The blood is rushing, and I am trusting you'll come save me. My knees are feet. So, guys, meet Dipali. ये बेंच प्रेस का आज इसका बहुत अच्छा है, ये भी पावर लिफ्टिंग अभी सीख रही है, सो ये पांचवा सेशन, कितना सेशन है ये, पांचवा सेक्टर, हाँ तो फिफ्थ सेशन है। सो मैं बस आपको इसका आर्च दिखाऊंगा, इसका जैसा आर्च है मुझे लगता है 80% ऑफ पावर लिफ्टर जो इंडिया में कम्पीट करते हैं उनका नहीं है। सो बींग ए योगा बैकग्राउंड से है ये, तो प्रोफेशन इसका योगा ही है, सो इसलिए इसका बॉडी का मोबिलिटी इतना है, मैं भी सीख रहा हूँ अभी स्ट्रेचिंग मोबिलिटी इससे। सो अभी इसका 45 kg है, इसमें इसको करना 3x3 पॉज। और बेंच PR कितना है तुम्हारा पहले, मतलब यहाँ से आने से पहले कितना था? 57.5। और अभी कुछ वीक के बाद एक मीट भी है, सो वी आर प्लानिंग 65-70 टू हिट अंडर 56 kg बॉडी वेट, राइट 56, हाँ तो अभी इसका 57-58 बॉडी वेट रहता है, बट 2 kg कट करके 56 में कम्पीट करना है। सो मैं बस इसका आर्च दिखाऊंगा, इसका आज का टॉप सेट है 3x3 पॉज, सो एक सेट दिखाऊंगा इसका आर्च, इसका टेक्निक, मतलब बहुत डिफिकल्ट, मतलब डिफरेंट है, बट ऑन द सेम टाइम वो टेक्निक पे मैं भी सीख रहा हूँ और ये भी सीख रही है कि इसका बॉडी कितना ज़्यादा पुश कर सकता है। सो लेट्स गो करते हैं 45 kg 3x3, अभी थोड़ा कम बोल रही है, थोड़ा साई है तो 2-3 वीडियो में बोलेगी ये भी, मुझे पता है। चलो सेट वो होगा 125 kg फॉर वन सिंगल्स, और इसके बाद मुझे लेना है 137.5 kg। ये वो वेट के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले 125 का आपको स्पीड दिखाते हैं, लेट्स गो। आज की, और आज करना 137.5, 2.25, 1.5, 1.5, 1.5, सो 137.5 टॉप सिंगल लूंगा। लेट्स गो, कुछ बोलना नहीं है, करके दिखाना, उसके बाद बात करेंगे, फकिंग लेट्स गो।
सो 137.5 केजी वो था मेरा, मुझे 140 या 142 मैं नेक्स्ट वीक लूँगा, सो लेट्स गो, देखते हैं। मेरा गोल क्या था, 145 हिट करके जाने का, बट बेस्ड ऑन मसल कैसा फटीक हो रहा है, क्योंकि स्क्वाट और बेंच में मुझे अभी हेवी पुश करना है, लेट्स गो देखते हैं। हम मेरा प्लान वही है 145 केजी पुश करके जाओ, 145 केजी को प्रेस करके लोड कैसा फील होता है, सो दैट कम से कम मैं 140 कॉम्प में मार गया हूँ। सो वो प्लान है मेरा, देखते हैं। 130 केजी मेरा ओपनर रहेगा, बट कहाँ तक जाऊँगा दैट डिपेंड्स। लेट्स गो, 110 केजी लगा हुआ बार पे, उसको मैं 5 रेप करूँगा, एक ही सेट है बैक डाउन का। तो अभी क्या होता है गाइस, जब कॉम्प नज़दीक आते हैं तो हम लोग अपने हेवी जो लोड रहता है उसको हम लोग सिंगल्स करते हैं, और जो बैक डाउन रहता है जैसे 3 हो जाता है, 2 सेट होता है, उसको हम लोग एक सेट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। द रीज़न वाई इज द मोर लेस लोड और वॉल्यूम यू विल पुश द बेटर रिकवरी यू विल गेट। सो जितना अच्छा बेटर रिकवरी उतना अच्छा लोड को हम फिर पुश कर पाएंगे, स्क्वाट हो जाए, बेंच हो जाए या डेडलिफ्ट हो जाए, सिंगल्स। लेट्स गो, दिखाते हैं आपको टॉप। सो बेंच हो गया कंप्लीट, और सही से मूव हो रहा है बेंच कम वॉल्यूम में, बट हेवी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वो होगा बिकॉज मैं अभी डेफिशिट में, मुझे वेट कम करना है। 68.5 था आज सुबह मेरा बॉडी वेट, सो मेरा गोल वही है 68 तक रहने का और लास्ट वीक कट करने का, क्योंकि मैं 68 में जो ट्रेन करूँगा अपने आप को 68-69 के बीच में, तो वही वेट में मुझे उस दिन कम्प्लीट करना है, बिकॉज जिस दिन बॉडी वेट दूंगा उसका नेक्स्ट डे मीट है। सो रात भर में मैं अपना कार्ब्स, वाटर इंटेक, सब चीज़ लोड करूँगा, तो 2-3 केजी गेन होगा। सो 65 पॉइंट कुछ में अगर मैं बॉडी वेट दे रहा हूँ 66 से, सो 69 तक आ जाएगा। तो अभी मैं ट्रेनिंग करूँगा 69 बॉडी वेट में, तब सेम जैसे, क्योंकि आप जो वेट, जो इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग कर रहे हो, जैसा आपका बॉडी वेट रहता है, जैसा वेट मूव हो रहा है, उस तरीका से फिर कॉम का दिन वेट मूव होगा। अगर मैं ज़्यादा कट कर लूँगा या ज़्यादा मैं गेन करके, अभी मैं 74 या 76 बॉडी वेट में अगर लिफ्ट करता हूँ, अगर उस समय मैं 66 कर भी लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगा, और जो मैं स्ट्रेंथ अभी पुल कर रहा हूँ वो नहीं कर पाऊँगा। सो इसलिए मैं वही ट्राई करता हूँ, मेरा मैंटेलिटी वही है। अभी 2-3 वीक 2-2.5 वीक बचा हुआ है, सो मैं 2.5 वीक के पहले ही उसी वेट में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, अभी से नहीं, 2 वीक हो चुका है। तो अभी 200 केजी पे सिंगल से वार्म अप, लास्ट वार्म अप से वो दिखाता हूँ, उसके बाद मेरा टॉप सेट रहेगा 210 में 5। मैं स्ट्रैप्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरा हेवी सिंगल्स रहता है एवरी वीक एंड में SBD, सो उस समय मैं विदाउट स्ट्रैप्स करता हूँ, लेकिन जब भी वॉल्यूम रहता है तो मैं स्ट्रैप करता हूँ, क्योंकि ये बारबल कब जो नर्लिंग है वो बहुत शार्प है, उसे अगर थंब कट गया अभी तो 2 वीक पहले मुझे रिग्रेट होगा बहुत। सो लेट्स गो, दिखाते हैं 200 केजी, देखना कैसा जाएगा, कैसा मतलब RP5 भी आप नहीं बोल पाओगे, RP4 आएगा। लेट्स गो, सो गाइस वो था मेरा 200 केजी, अब तो 200 केजी फील भी नहीं होता मुझे, अभी भी याद है 2 साल पहले 200 मतलब बहुत बड़ा नंबर था मेरे लिए, जनरली मेरे लिए, जबकि मैं उस समय 74 में कम्पीट कर भी करता था, और अभी मैं 66 में कम्पीट कर रहा हूँ, और 200 केजी मतलब आप वार्म अप भी नहीं लगता है, लगता 210, 215, 220 मेरा वार्म अप है लास्ट। सो अभी लगाया हूँ मैं 210 केजी, और इसके पे करूँगा मैं 5 रेप एक ही सेट। तो आप देख सकते हो कि मेरा और एक डेडलिफ्ट का सेशन है ये वीक में, तो मैं 2 ही बार कर रहा हूँ, एक बार वॉल्यूम, एक बार सिंगल। तो वॉल्यूम भी ज़्यादा वॉल्यूम में नहीं पुश करना, मेरा प्लान है 220 तक ही जाने का नेक्स्ट वीक, या नेक्स्ट वीक के बाद जब ट्रेनिंग करूँगा तो उस समय मैं ट्रिपल्स लूँगा, जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे मैं रेप्स कम कर लूँगा। सो अभी 2 ब्लू 2 रेड एंड 1 5, सो टोटल नंबर इज 210 केजी। लेट्स गो, इसके बाद
एक्सेसरीज है वो मैं दिखाऊंगा नहीं, बट दिस इज द लास्ट सेट, तो देखना एंजॉय करना। और मैं कोशिश करता हूँ टेक्निक दिखाने का, तो वीडियो के दौरान आप देख सकते हो आपका टेक्निक में क्या इशू है, कैसे स्टैंड्स लेना है, कैसे बॉडी को टाइट करना है, बिकॉज डेडलिफ्ट इज़ ऑल अबाउट टेक्निक। अगर आपको हेवी नंबर पुल करना है, बड़ा नंबर पुश करना है, वर्क ऑन योर टेक्निक, नथिंग एल्स। लेट्स गो। इसका कॉम भी था 12 दिन के बाद, बट पोस्टपोन्ड हो गया, राइट। सो गोइंग टू प्ले ओनली बेंच कॉम्पिटिशन जो होने वाला था स्टेट में, तो अभी वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, बट इतना मालूम है कि वो कॉम्प खेलना है इसको। लेट्स गो, कैसा नंबर्स होता है वो मैं दिखाऊंगा आपको। मेरा प्लान वही है कि 65-70 अगर ये पुश करती है बेंच में, तब मेडल लग सकता है स्टेट में, एंड नेशनल में तो ज़्यादा चाहिए, बट गोज हाउ स्पीड जिसका इसका प्रोग्रेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है वो नंबर ज़्यादा दूर नहीं है। आपको इस चैनल पे भी 60 पे ट्रिपल्स दो ये नेक्स्ट वीक दिख जाएगा, मेरी गारंटी वो, क्योंकि मुझे मालूम है कैसा प्रोग्रेस है और कैसा फॉर्म में हम लोग पुश कर रहे हैं इसको। और रहा बात आज का ट्रेनिंग का, 210 पे 5 था, और तुम कितना दूर ट्रैवल करके आती है बस ये बता दूँ, बिकॉज पीपल शुड मोटिवेट, मैं मोटिवेट होता हूँ बिकॉज वीक में 3-4 दिन ट्रेनिंग करने आती है और 2.5 घंटा लगता है सिर्फ एक तरफ आने का। अच्छा, कितना किलोमीटर है? किलोमीटर तो 55 किलोमीटर ही है, बट जो रूट है उस ऑटो से आना पड़ता है और उसके वजह से 2-2.5 घंटा लग जाता है। सो मतलब 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर का जर्नी सी कवर्स ओनली टू ट्रेन हेयर। सो आई एम ब्लेस्ड, पीपल आर कमिंग फ्रॉम मतलब इतना दूर से, और बींग ए गर्ल्स इज कमिंग मीन्स गाइज लोगों तो ऑफकोर्स इंस्पिरेशन ही लेना चाहिए। और अगर कोई गर्ल्स भी देख रही है चैनल, तो प्लीज़ अगर कम्पीट करना है तो तुम्हें क्या माइंड में आया था कि तुम्हें सीखना है इतने दूर में जाके? बस एक ही था कि पावर लिफ्टिंग को सही टेक्निक से सीखना है, और कुणाल सर से अच्छा ऑप्शन मेरे को नहीं दिखा इसलिए फिर यहाँ आ गई। सो आई टोल्ड यू गाइस आई एम ब्लेस्ड, इतने नंबर्स, इतने दिन का हार्ड वर्क, एंड व्हेनेवर सी इज कमिंग, मेरा भी एक फर्ज बनता है कि सी कम एंड गो सेफ टू हर हाउस, एंड द मेन थिंग इज सी लर्न फ्रॉम, कुछ सीख के जाए तो वर्थ इट होगा इतना दूर का जर्नी ट्रैवल करना, और इतना जर्नी करके आके अपने आप को हैवी पुश करना, दैट्स ऑल्सो इम्प्रेसिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। 137.5 kg कैसा था मुझे मालूम है, पॉज थोड़ा देर नहीं हुआ, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉज के साथ मिलेगा 140 kg, अब 137 नहीं, क्योंकि बढ़ते रहना गाइस, 1 kg 2.5 kg थोड़ा प्रोग्रेशन हमको ऊपर तक लेके जाएगा। और 66 kg में अगर 140-145 का बेंच अगर मैं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत लिमिटेड पीपल होंगे पूरे इंडिया में, टॉकिंग अबाउट इंडिया, पूरे लिमिटेड में बहुत कम लोग होंगे जो 66 में 140 का बेंच करते होंगे। मुझे वो बनना है। बाय बाय, सी यू।